फेमस ब्रांड है तो हमारे लॉज लाइक आई मेंशन 2002 में जब चेंज हुए तो वी इंट्रोड्यूस के इंटरनेशनली जो फेमस ब्रांड्स हैं दे देमसेल्व्स यहाँ पे उनकी कोई प्रेजेंस भी नहीं हो तो दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज वी नीड टू गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हमने एक वहाँ पे एक प्रोटेक्शन दी है मोर देन दैट एक जो चीज हमारी आ जाती है वो डिसऑनेस्ट अडॉप्शन पे हम बोल देते हैं बिकॉज अगर आप कोई भी चीज कोई भी बिजनेस कर रहे हो अगर वो ऑनेस्ट नहीं हो then obviously एक लॉ आपको रेमेडी तो देती है और लॉ हमारा इसमें बहुत क्लियर है यू कैन गो टू कोर्ट अगर आपके डिजाइंस की जैसे अगर वो शर्ट्स आपने मेंशन किया उनके डिजाइंस की कहीं पे भी कॉपी हो रही हो यू कैन इवन अप्रोच द FIA एंड यू कैन अप्रोच द पुलिस हु कैन रेड द प्रेमिसेस क्योंकि कॉपीराइट ऑफेंस जो होता है वो जो आर्टिस्टिक वर्क होता है दैट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मगर आपके इल्म में कोई ऐसे वाकयात हैं कि पाकिस्तान में अथॉरिटीज ने FIA ने पुलिस ने वाकई रेड किया क्योंकि मेरी ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کسی پولیس سے کسانے جائیں گے کہ جی وہاں پہ وہ ہمارے ہم امریکہ میں شرٹ بناتے ہیں اور وہ یہاں پہ ہماری نقل کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ہنس کے کہیں گے جاؤ جاؤ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اس میں کون سی قانون کے خلاف ورزی نہیں نہیں یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے ہم جاتے ہیں تھانوں میں جی جی بالکل ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے پولیس آپ کے ساتھ جاتی ہے پھر پولیس بھی جاتی ہے اور FIA بھی جاتی ہے آئی تھنک ابھی اٹس اونلی ایک ہفتے پہلے ہمارا مطلب ایک بہت بڑا کلائنٹ ایک اگربتی کا ان کا अब एक ये भी एक चीज है कि हम इंटरनेशनल तो बोल रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्रिंचमेंट होती है वो लोकल ब्रांड्स की होती है अच्छा लोकल ब्रांड्स जो हैं यही की जो ब्रांड है उनकी ब्रांड, नकल की जाती उनकी है। नकल की जाती है नकल ऐसी होती है कुछ तो बिल्कुल आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल जाली है और कुछ ऐसी होती है आप बता भी नहीं सकते उसमें FIA वाले गए और उन्होंने तीन ट्रक्स का सामान माल पकड़ा है जो कि जाली माल था तो एंड दे हैव सीज्ड इट और उस पे FIR वगैरह कर गई और आप इस तरह देख सकते हैं कि ये होता रहता है ऑब्वियसली अब बिजनेसेस चाहते नहीं है कि वो इतना एडवर्टाइज हो लेकिन लोगों को भी ये चाहिए कि अवेयरनेस के ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन इसमें ये है कि स्टेक होल्डर्स हैव टू कम फोर्थ अच्छा ये बताइए अली के ये ट्रेडमार्क्स कॉपीराइट्स इनको रजिस्टर करने का मैंने आज एक किताब लिखी या कोई प्ले लिखा ड्रामा लिखा मैंने उसके कॉपीराइट्स अपने हक में महफूज करने हैं मैं कहां जाऊं किसके पास जाऊं कैसे रजिस्टर करवाऊं देखिए कॉपीराइट वैसे अगर हम देखें तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी चीज नहीं है अच्छा। क्योंकि एज पर बर्न कन्वेंशन जो कि अब 1883 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसकी है उसके तहत आपका जो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स हो जाता है इट्स नॉट मैंडेटरी लेकिन अगेन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है इट इज ऑलवेज गुड कि आप रजिस्ट्रेशन सीख करें तो कॉपीराइट ऑफिस होता है और एक ट्रेडमार्क ऑफिस होता है जहां पे आपके ट्रेडमार्क्स वगैरह भी होते हैं और पैटेंट ऑफिस ऑल थ्री ऑफ देम ये कराची में इनके हेडक्वार्टर्स हैं इनके लाहौर में भी ऑफिसेज हैं ये अलग अलग ऑफिसेज हैं ये एक ही अलग अभी तो अलग अलग ऑफिसेज हैं लेकिन वी हैव हर्ड के गवर्नमेंट इन सबको इकट्ठा करके दे आर प्लानिंग ऑन बिल्डिंग एक बड़ा ऑफिस तो दे आर ऑल लोकेटेड मतलब सिविक सेंटर पे ट्रेडमार्क ऑफिस है खंडावाला बिल्डिंग में पैटेंट ऑफिस है और कॉपीराइट ऑफिस भी सिविक सेंटर के करीब आसपास ही है अली आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉपीराइट्स और पैटेंट्स और ट्रेडमार्क्स के जो कानून हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो कानून हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं या अभी बहुत काम करना बाकी है मजीद कानून की जरूरत है देखिए जहां तक हमारी इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफ द ट्रिप्स अग्रीमेंट वहां तक तो हमारे सारे कानून अप टू डेट हैं हाँ कुछ जगहों पे ऑब्वियसली हमारी अगर इंटरनल चेंजेस आए तो वी वो एक सोसाइटल चेंज होता है अगर सोसाइटी देखती है अगर हमें लगा कि कहीं पे कोई चीज सही नहीं है देन वो एक ग्रेजुअल चेंज है लेकिन एज अप टू नाउ एज पर टुडे देर इज नो नीड कोई ऐसी अमेंडमेंट का कोई ऐसी चीज का जिससे कोई हमें मतलब कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा या कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि लॉ नहीं है हमारे लॉ आर माशाल्लाह सिर्फ देयर वेरी मतलब देयर राइट देयर देयर अप देयर विद एनी अदर लॉज इन एनी अदर कंट्री तो ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है नहीं तो इन लॉज की जब खिलाफ वर्जी होती है पाकिस्तान में जो कानून नाफिज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी सजा अमूमन क्या होती है देखें जब तक ट्रेडमार्क कानून की जानिब से हुकूमत की जानिब से क्या या कोर्ट की जानिब से क्या सजा मिलती है कानून यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ वर्जी की देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे वो जो होता है क्योंकि प्रोएक्टिव नहीं है लेकिन क्योंकि स्टेक होल्डर्स जाते हैं जो सबसे पहले आपकी रेमेडी होती है वो होती है कि आप उसको रोकें वो फौरन रुक जाता है बंद कर दें मतलब वो बंद कर दें हाँ प्रोविजन्स हैं कि डैमेजेस भी हों
प्रोविजंस तो ट्रेडमार्क के उसमें डैमेजेस की भी हैं, और मतलब डैमेजेस जो क्लेम होते हैं वो कुछ इंस्टेंसेस में करोड़ों के क्लेम होते हैं, क्योंकि गुडविल एक कंपनी की रेप्यूटेशन है. लेकिन वी हैव स्टिल नॉट सीन के द गवर्नमेंट द जुडिशरी इज नॉट वेरी विलिंग इस चीज में कि डैमेजेस दे, इसलिए एक डिटरेंस अभी तक वो क्रिएट हुआ नहीं है क्योंकि डैमेजेस अवार्ड नहीं हुए. राइट. अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि हर चीज जो तख्लीक की जाती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में, अगर एक आर्किटेक्ट है उसने एक डिजाइन बनाया, एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाया, बहुत ही अच्छा डिजाइन, और बिल्डिंग तैयार हो गई, उसकी नकल उसके देखा देखी बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किसी और ने कॉपी करके बनानी शुरू कर दी है, बना भी दी बिल्डिंग, अब ये आर्किटेक्ट इसके इसको क्या रेमेडी, इसको क्या मतलब है, ये कोर्ट में जा सकता है उसके खिलाफ एक्शन, मगर कोर्ट उसके यानी जो जिसने नकल की है उसके हाँ. खिलाफ कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है? बिल्कुल, देखिए आर्किटेक्चरल थोड़ा सा इसमें हमें इशू ये आता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बिल्डिंग इतनी या तो वो बिल्कुल ही चेंज हो. राइट. तो वो क्योंकि एक एक सेट पैटर्न्स पे ही चलती है, थोड़ा सा वो आता है, लेकिन अगेन इट्स स्टिल एन आर्टिस्टिक वर्क. ये नहीं है कि उसकी कोई प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगी. ऑफकोर्स मिलेगी, ऑफकोर्स उसका जो फसाड आ रहा है, उसके जो इंडस्ट्रियल वो उसकी जो आर्टिस्टिक जो रेंडरिंग हम कहते हैं जो रेंडरिंग है, अगर वो साथ ही में कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है तो वो रेंडरिंग दैट इज हिज क्रिएशन, ही कैन क्लेम कि ये मेरी आर्टिस्टिक वर्क की खिलाफ वर्जी है, तो वो एक कॉपीराइट उसका भी मतलब वन कैन क्लेम. मैं ये कह रहा हूँ नरेन, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में हर जगह आप कंप्यूटर का इस्तेमाल भी देखते हैं, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ये सॉफ्टवेयर ज्यादातर अमरीका और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तैयार होता है, और इसके कॉपी राइट्स भी होते हैं, और हमने ये भी देखा कि काफी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी जो गैर कानूनी तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बनाया जाता है, पाकिस्तान में भी बड़ा पायरेटेड सॉफ्टवेयर पाया जाता है, वो